मेरा नाम पीयूष यादव है और मैं CITS करता हूँ मुंबई से। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि CITS कैसे इंट्रेंस इसका क्वालिफाई करना है। और मैं फिटर ट्रेड से मैंने किया था क्वालिफाई, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे इंट्रेंस को क्वालिफाई करना है। CTI आप मतलब इस टाइम कहाँ से, मुंबई से कर रहे हाँ हो? सर, मैं मुंबई से इस टाइम CITS कर रहा हूँ। तो वही CITS और CTI एक ही से हाँ, शायद मतलब पहले वो कंफ्यूज थे। CTI था, अब CITS हो गया। ठीक है, तो उसके लिए मतलब अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता हाँ सर, ऑनलाइन होता है। उसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं और 75 क्वेश्चन अपना 75 क्वेश्चन अपना टेक्निकल के होते हैं। तो इस टेक्निकल मतलब ट्रेड थ्योरी? हाँ ट्रेड थ्योरी अपना फिटर थ्योरी, जिससे मतलब जिसका जो ट्रेड है वो अपने ट्रेड में उसका ट्रेड मजबूत होना चाहिए उसके लिए। यानी कि मतलब ज़्यादातर फोकस आपको ट्रेड थ्योरी पर रखना है, क्योंकि 100 में से 75 क्वेश्चन उसी से आते हैं। हाँ सर, बाकी 25 में क्या रहता है? 25 में 25 में जैसे सर रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये दो रहते तो हैं। आपकी मैथ अच्छी थी या कैसा सही नहीं सर, था? मेरी तो मैथ कुछ नहीं, मैं तो यहाँ से पढ़ा हूँ, जान ही रहे हैं आप लोग। तो हाँ, तो आप फिर भी मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स बताएं आप मैं किस कॉलेज, हाँ किस बैच में देखिए, थे, किस ट्रेड में थे। तो मैं ये ग्लोबल ITI से मैंने कर रहा था ITI, ये मैं फिटर ट्रेड से। हमारे अभिषेक सर मुझे पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं 2 साल से मतलब यहाँ पे किया पूरा ITI कोर्स, और बेहद अच्छा पढ़ाई हुआ, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। उन्हीं की पढ़ाई से आज मैं इंटरेस्ट मतलब क्वालिफाई कर गया। मतलब ज़्यादा फोकस तो मतलब अच्छे पढ़ाते हैं, पूरे हर डिटेल में बताते हैं कोई चीज़, यहाँ पे हर चीज़ आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। बट पढ़ाई बहुत मेरे होती है, हर चीज़ अच्छी होती है यहाँ पे। तो और कट ऑफ लगभग कितना कट जाता ऑफ सर देखिए, हर कॉलेज के डिपेंड रहता है। जैसे अपना कानपुर में हो गया तो 80+ आना चाहिए। जैसे हमारा मुंबई में वहाँ पे 54 नंबर था, तो मेरा कट ऑफ लग गया था वहाँ पे। और यानी मतलब एक अंदाजा कि मतलब 100 में से कितना नंबर आ जाए कि लगभग CTI में एडमिशन हो जाए देखिए, कहीं कॉलेज के लिए करना है तो 50 नंबर बहुत है, 50 नंबर आ जाएगा तो आपका किसी एडमिशन कॉलेज में? हो जाएगा। वो अच्छा, भी कई राउंड में होता है ना इंट्रेंस, वो जो एग्ज़ाम मतलब एडमिशन वो काउंसलिंग। काउंसलिंग कई राउंड में होता है, कई राउंड में होता है। मतलब कोई जैसे 30-35 वाले भी होते हैं, तो वो स्पॉट एडमिशन में भी चले जाते हैं। इसलिए और CTI कॉलेज का लगभग वहाँ कितना खर्चा था, फीस वीस क्या है? पहले तो देखिए, जब एडमिशन आप कॉलेज में लेंगे तो 1475 रुपये OBC का वो कैटेगरी वाइज मतलब फीस लगती है। तो हमारा 1475 रुपये लगे थे वहाँ पे एडमिशन के। और अलग से आपका जैसे रहने का खाने का जैसे मेस चार्ज होता है वहाँ पे, तो मैक्सिमम 1800 या 2000 रुपये ऐसे आपके खर्च आते हैं पर मंथ। पर मंथ आते हैं। और जैसे अभी तो आपका कितना, 6 महीने हो गया? अगर हमारा 6 महीने छः बाकी हाँ है 6 महीने हो गया, तब तक इधर सर ये हो गया लॉकडाउन की वजह से मैं कर नहीं पाया। और कॉलेज में मतलब कब तक क्लास होती है और कितने देर क्लास हो? कॉलेज में देखिए 8:30 से 5:30 बजे तक हमारी, 8:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक कॉलेज चलता था, जिसमें 1 बजे लंच होता था हमारा। तो लंच में हाँ मेस में जाते थे खाने में के। हॉस्टल वगैरह में मतलब लाइट वाइट सब सब सुविधा? सुविधा अच्छी हो रही थी। हाँ सब, रहने का खाने का अच्छा सुविधा था, बढ़िया था। और अगर मतलब फाइनली अगर हम कहें कि आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जो पेड क्लासेस वगैरह हमने किया है फिटर वगैरह की, तो यस अगर फिटर आप तो पहले भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, पढ़े हैं कॉलेज में सर, रेगुलर 2 साल, उसके यस बाद भी मतलब आपको अगर क्या कॉन्फिडेंटली लगता है कि अगर हम लोग जो क्लासेस दे रहे हैं फिटर की, उसे कोई पढ़ ले तो सीटें एंट्रेंस निकल हाँ जाएगा? सर, उससे तो 100% निकल जाएगा उससे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है अभिषेक सर जो हमको पढ़ाए थे पहले, वही क्वेश्चन इसमें भी है और कुछ बढ़िया चीज़ है। लेकिन उससे पढ़ने से क्या है कि आपका एंट्रेंस वो निकल जाएगा। इतने ही नहीं, CITS ही नहीं, बल्कि एक कंपटीशन लेवल का भी निकलेगा एग्ज़ाम, यदि थ्योरी से मजबूत हो जाएगी तो। चलिए, और आपको यहाँ मतलब CTI मुंबई से आप कर रहे हैं वहाँ हाँ से, तो मैं वहाँ CTI मुंबई से कर और रहा वहाँ हूँ। पर लड़के कहाँ कहाँ के होते हैं, किन जगहों देखिए के हैं? हर स्टेट के, अदर स्टेट के रहते थे, जैसे UP के मान लीजिए हम लोग हो गए हैं, मुजफ्फरपुर और वगैरह से? राजस्थान के, पंजाब के, मुजफ्फरपुर। हरियाणा के, पंजाब हरियाणा के लोग भी रहते थे ऐसे स्टेट के, और अपने महाराष्ट्र के भी लोग रहते थे उधर के लोग। प्रैक्टिकल वगैरह का क्या सीन है कि मतलब? देखिए सर, वहाँ पे यदि स्किल ज़्यादा आपको चाहिए, मतलब स्किल जैसे कितने बच्चे होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जैसे कहीं कहीं पे नहीं होता है,
मान लीजिए हमारे यहाँ होता है यहाँ पे, लेकिन और कहीं अदर कॉलेजों पे नहीं हो पाता है। तो वहाँ के प्रैक्टिकल, मान लीजिए टेक्निकल तो बच्चे अपना कर लेते हैं किसी भी तरह से, बट प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। यदि प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा स्किल में डेवलपमेंट करना है तो आप CITS मुंबई से करिए, फिर वहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए। फिटर ट्रेड के लिए हाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए देहरादून फेमस है। हाँ ये सब देहरादून है। अब अलग अलग ट्रेड वाइज अलग, हाँ मतलब फिटर के लिए मुंबई जाना पड़ेगा और बढ़िया मतलब स्किल डेवलपमेंट करना है तब, क्योंकि हमारे जो इसरो इसरो के लिए होता है तो बढ़िया पड़ता है, स्किल में छटते हैं, स्किल टेस्ट में छटते हैं। हाँ सर, और ये आपका कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर फैसिलिटी है? हाँ जैसे वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं इंटरेस्ट लगेगा कि हम जिम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिटर वाले सोचते हैं, लेकिन फिटर वालों बेचारों को टाइम कहाँ मिल पाता है, 4 घंटे तो वर्कशॉप में बेचारे खुद ही थक जाते हैं, इसलिए वो जिम के लिए कहाँ थकान महसूस होगी, उन्हें पढ़ना भी है और सोना भी है, सब कुछ तो ध्यान देना है, लेकिन जिम उस पर नहीं कर पाते हो। जैसे CSA के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, उन्हें टाइम मिल जाता है, वो जिम उम करते रहते हैं अपना। तो फ्री है ना? हाँ तो वो जिम फ्री है, वो एक ही साथ 1475 में ऐड होता है पैसे। चलिए आपने बहुत सारी जानकारी दी, मुझे लग रहा है कि बच्चों को पसंद भी आया होगा जो इंटरेस्टेड होंगे CTI करने में। यस और फाइनली मतलब बातों से ही लगा कि ट्रेड थ्योरी जिसकी स्ट्रांग है हाँ तो थोड़ा बहुत मैथ वगैरह करके अपना इंट्रेंस इजिली कर लेगा, कर लेगा सर। यस सर।